आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कानूनी शिकंजे में फंसे रिटायर्ड उत्तराखंड आईएएस रामविलास यादव से पुलिस रिमांड में पूछताछ शुरू कर दी है। देहरादून के विजिलेंस मुख्यालय में यादव से संपत्ति जांच से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम को पूछताछ के लिए कोर्ट से एक दिन की रिमांड मिली है। उसी के तहत उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक संपत्तियों के बारे में रामविलास से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल रामविलास यादव न्यायिक हिरासत में 14 दिन की जेल काट रहे हैं। 6 जुलाई 2022 को उनकी कोर्ट में पेशी है। इससे पहले ही विजिलेंस रिमांड को लेकर यादव से जांच से जुड़े अहम दस्तावेजों पर पूछताछ कर रही है। उधर रामविलास यादव के वकील अभिनव शर्मा का कहना है कि बिना उनके पक्ष को सुने ही विजिलेंस को कोर्ट से रिमांड दी गई है। अब वो केस को दूसरी बेंच में शिफ्ट करने की मांग करेंगे।